नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे पेंशन पर हो रही टेंशन की। तो एक तरफ बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब कालाबाजारी कम हो गई है। इसमें जो बीच के लोग, बिचौलिए जो होते थे खाने वाले, वो उनकी संख्या अब कम हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टेंशन है पेंशन को लेकर, वो अब भी बरकरार है। कहीं पर बुजुर्ग लामबंद हैं तो कहीं पर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। आप भी देखिए, थारी पेंशन थारे हाथ, ये सरकारी नारा सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, इसके पीछे की हकीकत उतनी ही कड़वी और दुखद है। सूबे में पेंशन की टेंशन खत्म होने की बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बुजुर्गों को वक्त पर पेंशन मुहैया कराने का दावा करने वाली मंत्री मैडम कविता जैन के अपने इलाके सोनीपत में बुजुर्गों को पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सच्चाई क्या है, खुद पेंशन धारियों से ही सुनिए। कुछ पेंशन धारकों के खाते अपडेट नहीं हुए हैं, तो कई खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से पेंशन पाने में बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। आज तैयार हो गए, मेरे कागज लिया, आज तैयार किया, तीन चार बार परेशानी हो रही। हालांकि अधिकारियों की माने तो जल्द ही अकाउंट अपडेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सभी पेंशन धारकों को वक्त पर पेंशन मिल सकेगी। लेकिन बीते 7 महीनों से भटक रही इन बूढ़ी आंखों को अधिकारियों की इस बात पर कतई भरोसा नहीं है। जिनकी पेंशन 2 महीने से या 1 महीने से नहीं आई है, उनकी जो पेंशन ना आने का रीजन है कि उनका खाता बैंक से अप्रूव नहीं हुआ, वो अपना अकाउंट और बेनिफिशियरी आईडी बैंक में जाके या डाकखाने में जाके अपलोड करवा, उसके बाद उनकी पेंशन आनी स्टार्ट होगी। हाल ही में खट्टर सरकार ने बुजुर्ग पेंशन की राशि बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति माह से 1400 रुपए किया है। इसके अलावा विधवाओं और विकलांगों को मिलने वाली पेंशन में भी 200 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। हालांकि सरकार ने नए साल के तोहफे में पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन बुजुर्गों के लिए राहत नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि बढ़ी हुई पेंशन तो दूर, मौजूदा पेंशन भी बुजुर्गों को नसीब नहीं है। पेंशन के नाम पर धांधली, धोखाधड़ी और गड़बड़ी के लगातार आए मामलों ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है। हालांकि पारदर्शिता की दिशा में सरकार हर दिन नए कदम बढ़ा रही है, लेकिन अहम फैसलों और विराट योजनाओं का सूबे की जनता को लाभ मिलता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पेंशन में गड़बड़ झाला प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहा है। कहीं पर, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बुजुर्ग लामबंद हैं, तो कहीं पर महिलाओं ने इस बाबत मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार पेंशन ना मिलने को लेकर किए जा रहे हैं। अलग अलग बहाने, अलग अलग जगहों पर पेंशन नहीं दिया जा रहा है। कहीं पर मृतकों की पेंशन हड़पी जा रही है, तो कहीं पर पेंशन धारक को ही मृत बताकर उसकी पेंशन बंद कर दी जा रही है। कष्ट निवारण समिति में भी ये मुद्दा कुरुक्षेत्र में उठाया जा चुका है। हमारे साथ अमित नेहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त स्टूडियो में। अमित नेहरा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भवन जी। इस पर आप, मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार जो बहुमत के साथ सत्ता में आई है बीजेपी की, उसने पेंशन भी एक कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा रहा था, और ये कहा गया था कि हम जब आएंगे तो उसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, उसको हम पारदर्शी करेंगे, बैंकों के जरिए जाएगा तो जो दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, वो नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम ऐसे कई सारे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें पेंशन हड़पी भी जा रही है और कहीं पर पेंशन नहीं भी दी जा रही है। देखिए भुवन जी, पेंशन का जो मुद्दा था वो अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं। ये 1987 से शुरू हुआ था, पूरे दक्षिण एशिया महाद्वीप में, हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी। चौधरी देवीलाल इसके जनक थे। हालांकि जब वो चुनावी रैलियां करते थे 1985 और 86 में, जब माहौल बनाना शुरू किया उन्होंने, तो विपक्षी नेता उन पे ये कहते थे कि देवीलाल का तो दिमाग खराब हो गया है,
इस तरह की योजना सिरे नहीं चढ़ सकती। हालांकि 100 रुपये का उन्होंने रेट निकाला था कि हम 100 रुपये हर बुजुर्ग को देंगे, तो ये बात तो इतिहास की बात होगी। उसके बाद क्या हुआ कि बढ़ोतरी होते होते आज मेरे ख्याल से 1400 रुपये पे पहुंच गई है पेंशन जी। लेकिन बात ये है कि क्रियान्वयन ठीक है ना, सरकार ने तो अपनी तरफ से जारी कर दिया कि 1400 रुपये, क्रियान्वयन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले होता है कि हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है, अफसर हैं, वो कैसे इसको बांटेंगे। तो उससे पहले जो जिस हिसाब से बांटा जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल थे। मृत लोगों को भी दी जा रही थी, जो थे नहीं उनकी भी मनाई जा रही थी, तो कई तरह की मिलीभगत थी। तो जो बैंकों से जोड़ा गया है, देखिए इसमें विरोधी बेशक सवाल उठाएं, विरोध करें, तो इससे लूपहोल कम हुए हैं, घपले इससे कम होंगे। और कुछ बायोमेट्रिक जो सिस्टम है अगर वो भी लागू कर दिए जाए इसके साथ साथ, तो ये और भी ज्यादा कारगर साबित होगा। चलिए वापस मैं लौटता हूँ इतना जी आपके पास। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त फोन लाइन पे हैं, डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी के विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हैं, साथ ही साथ केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सैनी साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सैनी साहब ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ आपकी कैबिनेट मंत्री कविता जैन बुजुर्गों को वक्त पर पेंशन देने की बात करती है, लेकिन उन्हीं के इलाके में बुजुर्गों को पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? पेंशन को लेकर जो एक वादा आपकी सरकार ने किया था कि पेंशन के लिए बुजुर्गों को, महिलाओं को दर दर की ठोकरें नहीं खानी होंगी, रोजाना दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, लेकिन ऐसा तो सूरत हाल अब भी देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों से खबरें हमारे पास हैं। देखिए जो जीरो टॉलरेंस वाली बात की है, सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर है, और ये जो आप घोटाले वाली बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हरियाणा के अंदर जो पेंशन के ऊपर घोटाला था, लाखों की संख्या में लोग थे जो दो दो जगह पेंशन लेते थे, और कहीं जगह फर्जी पेंशन होती थी, उस पे लगाम लगी है। लेकिन जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उसमें किसी का नाम वाले भरत सिंह है, उसका पेंशन में भरतू लिख दिया, तो इस प्रकार के थोड़ी अनोमलीज है उसमें जो है ना, कहीं कहीं पर है ये डिस्क्रिपेंसी, ठीक हो जाएगी। और सुनो, आने वाले समय में हम अपने बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवाओं को हम जो है ना एटीएम देने वाले हैं, उनको जो है ना, ठीक है एटीएम तो बात की बात है, यहाँ तो उतना पैसा मिल जाए जो तय किया गया है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, केवल ढींगरा साहब आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए जो पेंशन का मामला है, आज जो बुजुर्ग है उसके लिए ये प्रावधान रखा गया था, और जो बुजुर्ग हो जाता है आस पास के, अगर मान लो गाँव में बैंक नहीं उपलब्ध है तो वो कितनी दूर तक जाएगा पेंशन लेने, एक बात। दूसरी बात, मैंने हाल ही में अखबार में देखा कि एक बुजुर्ग महिला को चौथी फ्लोर तक जो है आदमी लेके जा रहा है उसकी पेंशन दिलवाने के लिए उठा के। हाँ। आप ये देखिए कि एक बुजुर्ग महिला को उसका बच्चा जो है उठा के लेके जा रहा है चौथी मंजिल पे पेंशन लेने के लिए। हाँ। तो आखिरकार ये सरकार क्या कर रही है, मतलब उनको किस तरीके से धक्के दिलवा रही है, ये तो आपके सामने ही है, और एक मामला नहीं है, ये कई मामले हैं और कई इलाकों में ऐसा हो रहा है। ये बड़ा दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन का प्रावधान किया था। हाँ। जो इस भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे कानून लाके, ऐसे ऐसे फरमान लाके, हाँ। उसके बीच में उनकी, बुजुर्गों की जो अपमान करने का काम भी साथ में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है अमित नेहरा जी, हम बारीकियों को समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि पूरी योजना को, जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है सबको आधार से जोड़ने की बातें की जा रही है। अकाउंट्स को भी आधार से जोड़ा जाएगा, पेंशन को भी उसके माध्यम से, एक पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया तो है, लेकिन ये जो पेच फंस रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है बुजुर्ग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, बैंकों के चक्कर नहीं लगा सकते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या उनकी सेहत उनका साथ नहीं देती है, इस तरह के मामले तो है ही हैं। साथ ही साथ ये तो जो तकनीकी मामले हैं जिसमें आधार किसी का नंबर नहीं है या आधार लिंक नहीं है, तो ऐसे कैसे इसको निपटाया जा सकता है, या फिर आपको क्या लगता है कहाँ पर कमियाँ हैं? देखिए भुवन जी, जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा, घपले घोटाले और गलतियों की गुंजाइश उतनी कम होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और दूसरी बात ये है, जो ये आवाजें उठाई जा रही है, मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ नहीं कह रहा हूँ, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, जो सरकारी कर्मचारी
रिटायर हो चुके हैं और जो पेंशन याफ्ता हैं, क्या पेंशन उनके घर पे पहुंचती है? उनके एक प्रक्रिया है, वो चाहे लाचार हो, अपंग हो, कुछ भी हो, बैंकों के थ्रू आती है उनकी पेंशन। जब वहां पे कोई आपत्ति नहीं उनको, चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग है, रिटायर्ड है, चाहे 90 साल के हैं, और वो बैंकों से लेते हैं अपनी पेंशन, जो उनका हक है, जो उन्होंने कमाई हुई है अपनी नौकरी के दौरान। और ये क्या है कि ये जनता की खून पसीने की कमाई है जो एक सम्मान के तौर पे बुजुर्गों को दी जा रही है। अगर वो बैंकों तक ही जाने में अपने आप का अपमान समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विरोध करने में कोई दम है, कोई तर्क नहीं है ये। तो अगर आपको पेंशन लेनी है तो आपको बैंकों तक जाना पड़ेगा, जो सरकार कहती है वो करना पड़ेगा, क्योंकि फुल प्रूफ बनाने का यही तरीका है। और इसके साथ साथ क्या है कि अगर बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू कर दिया जाए, जैसे पुतलियों का है, थंब इम्प्रेशन है जो होता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि ये उनका हक नहीं है बुजुर्गों का, ये सम्मान है उनका। सम्मान राशि आप इसको मानिए, जो हक होता है वो ये होता है कि अगर उन्होंने पहले कहीं नौकरी की हो, सरकार में की हो या किसी फैक्ट्री में की हो, तो उसकी पेंशन बनना वो एक अलग चीज है। और देखिए वो भी बैंकों के माध्यम से आती है, ये नहीं कि फैक्ट्री वाले या सरकार सीधे उनके घर पे पहुंचा देती हो। तो ये शुरू में तो तकलीफें थोड़ी सी झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, डॉक्टर मोहन सैनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सैनी साहब, आवाज आ रही है आपको? मोहन सैनी जी, मोहन सैनी साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। केवल ढिंगरा साहब, आपको क्या लगता है, आपकी सरकार 10 साल इस सूबे में रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, पेंशन को लेकर आपकी सरकार में भी काफी सारे मसले उठते रहे, काफी सारे विरोध की आवाजें उठती रही, क्योंकि एक नई पहल तो सरकार ने की है, जैसा कि अमित नेहरा साहब कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी की ओर उठाया गया एक कदम है, इसमें थोड़ी सी अगर आपको मुश्किलात होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको अगर पारदर्शिता चाहिए सिस्टम में तो आपको थोड़ी मुश्किलें उठानी होंगी। ये उस पहलू पर है जिसमें आपने कहा कि बैंक नहीं जा सकते कई लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शिता है वो तो वेरी क्लियर है, क्योंकि आप देखिए 2000 रुपए का वादा करके पेंशन का उन्होंने 200 रुपए पर ईयर बढ़ाने का बात की, तो ये तो पारदर्शिता तो है ही, इनकी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि 2000 रुपए हम पेंशन करेंगे। तो आप इन्होंने जो IMLT के लोग हैं, इनकी बी पार्टी है, उनसे इन्होंने मशवरा करके 200 रुपए पर ईयर बढ़ाने का जो काम किया है वो इनकी पारदर्शिता ही तो दिखा रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी नेहरा साहब बात कह रहे थे कि वो उनका सम्मान है, तो आप सम्मान उसको चौथी मंजिल की सीढ़ी पे चढ़ के थोड़ी देंगे, आप उसको सम्मान देना चाहते हैं तो आप ठीक है, उनको अगर बैंकों के जरिए भी देना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी कोई स्थिति लाए कि जो वो कह रहे हैं कि हम एक ATM लाने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि पवन सैनी साहब कह रहे हैं कि एक ATM भी जल्दी आएगा जिससे उन्हें बैंक ना जाकर के सीधे ATM से वो अपनी जो है पेंशन निकाल सकते हैं। 80 साल भी होता है जी, एज का मतलब 75 साल भी है, एज का मतलब 80 साल भी है। हाँ। तो आप 80 साल के आदमी के साथ क्या सम्मान कर रहे हैं कि अगर वो चौथी मंजिल पे उसका बेटा उसको उठा के चढ़ा के लेके जा रहे हैं हाँ। तो वहां भी जाने के बावजूद उसको पेंशन नहीं मिलती हाँ। तो ये किस चीज का सम्मान है और कैसा सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ठीक है, पवन सैनी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। पवन सैनी साहब, कुछ मामलों का मैं जिक्र करूंगा, मसलन सिरसा में पेंशन के लिए बुजुर्ग इकट्ठा हुए सचिवालय पर, उन्होंने घेराबंदी की और बुजुर्गों ने यहां तक कह दिया कि अगर आप पेंशन नहीं दोगे तो हमें गोली ही मार दो। इस तरह का मामला जुलाना से भी पेश आया है जहां बैंक में स्टाफ की कमी के चलते पेंशन लोगों को काफी समय से नहीं मिल पा रही है, 7-8 महीने हो जा रहे हैं। गुड़गांव से भी ऐसा ही वाक्य सामने आया, यहाँ महिलाओं ने प्रदर्शन किया क्योंकि 4 महीने से पेंशन नहीं मिली थी। ऐसे मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या ये कमियां नहीं है, क्या इसमें नहीं लग रहा है आपको कि जो बात आप सम्मान की करते हैं पेंशन के तौर पर वो सम्मान नहीं मिल पा रहा कई लोगों को? पहले तो मैं ढिंगरा भाई साहब का जवाब देना चाहता हूँ। ये हमारा जो घोषणा पत्र है ये कोई 1 साल का घोषणा पत्र नहीं है, ये 5 साल का घोषणा पत्र है। पार्टी सत्ता में आई है और हमारा 5 साल के अंदर जो हमने पेंशन का वायदा किया था 2000 का, पहले साल में 1200 की, अब की बार अब 1400 जाएगी, हम 5 साल में 2000 करेंगे। दूसरी बात,
जो बता रहे हैं 75 साल का बुजुर्ग या 80 साल का, उसके लिए हमने हर बैंक में या उसका कहीं टैक्स में उसका अकाउंट है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारा ऐसा हाई है वो जा नहीं सकता बैंक में पेंशन लेने के लिए, हमने वहाँ ड्यूटी लगाई है, हमारा घर पर देकर जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत मुझे जो लगता है जहाँ है, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो बहका करके इस प्रकार की जो है ना घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। अदरवाइज पूरे हरियाणा में एक बहुत अच्छा मैसेज है और इससे लोगों में बहुत बड़ा एक उत्साह भी है बुजुर्गों के अंदर। चलिए ठीक है, सुनिए। नहीं 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 सही साहब, मैं सुनूंगा आपको, आप बने रहिए फोन लाइन पर हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। केवल डिंगरा साहब भी हमारे साथ हैं, अमित नेहराजी भी हमारे साथ हैं। वापस लौटेंगे इस चर्चा में, क्योंकि चर्चा इसलिए भी जरूरी है, खबर सिर्फ एक जगह से नहीं है, खबरें कई जगहों से सामने आ रही हैं और आए दिन सामने आ रही हैं। हाल ही में एक जगह से ये खबर भी सामने आई कि मृतकों की, विदेश में रह रहे लोगों की, वहाँ का सरपंच उनकी पेंशन को काफ़ी लंबे समय से डकार रहा था, उसको हड़प रहा था, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, तब जाकर ये मामला प्रकाश में आया। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लूँगा आज। गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था, तकरीबन एक महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण है, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है, हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल, एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें, ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई, अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर की घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
हरियाणा न्यूज और हरियाणा फ्रेश घी, हरिसंस फार्मा, गुरबाज एग्रीकल्चर, लक्ष्य घी, गोगाजी हेयर ऑयल, जेराउट शिवम फार्मा, राठी हॉस्पिटल, डिश टीवी और आईबीपी गैस की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं पेंशन पर हो रही टेंशन की। अलग अलग जगहों से पेंशन को लेकर विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर बुजुर्ग परेशान है तो कहीं पर महिलाओं को 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है और इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है। गुड़गांव, अम्बाला, सिरसा, जुलाना से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति में भी ये मामला सामने आया था, जहाँ एक व्यक्ति को मृत दिखाकर अधिकारियों ने उसकी पेंशन ही बंद कर दी थी। तो कहीं पर मृतकों को जिंदा दिखाकर कागजों में उनकी जो पेंशन है वो सरपंच के खाते में जा रही थी। इस तरह के मामले अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि पेंशन को लेकर कुछ सुधार हो पाया है या फिर लोगों में संतुष्टि देखने को मिली है? अमित नेहरा साहब, देखिए पूनम जी, बात वही आती है। सरकार का जो प्रयास है उसकी सराहना की जानी चाहिए। और जो रही बात आपने जिक्र किया है कि कोई चौथी मंजिल तक लेके जाया जा रहा है किसी को, किसी को मृत दिखाया जा रहा है, किसी को जिंदा कर दिया गया है, तो ये सारी चीजें हैं, ये कोई मास लेवल पे नहीं है, ये छुटमुट घटनाएं हैं। और लेकिन सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि जो इन घटनाओं के पीछे दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको दंड दे उचित, उसका एक मैसेज जाना चाहिए। देखिये ये अपने हाथ में बात होती है, अगर चौथी मंजिल तक अगर ऑफिस बना है तो कोई ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि ग्राउंड फ्लोर पे एक टेबल लगा दी जाए, जो महत्वपूर्ण आदमी है वो बैठा जाए, वहां पे बैठा दिया जाए उसको। ये कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है कि पूरे प्रदेश की समस्या नहीं है कि पूरे प्रदेश में हर बुजुर्ग को चौथी मंजिल तक पहुंचाना है, क्या ये बात है? ये एक छोटी मोटी समस्या है जिसका निदान वहीं के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। और हाँ, राजनीतिक दल जो विरोधी पार्टियां हैं जो आवाज उठा रही हैं, तो उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। जो जायज मांगे हैं उनको मान लेनी चाहिए सरकार को, और जो नाजायज मांगे हैं, अतार्किक मांगे हैं जो, तो उनसे परहेज करना चाहिए। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी इस वक्त फोनलाइन पे हैं। अरविंद जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरविंद जी, पेंशन को लेकर आपका क्या नजरिया है? सरकार जैसा कि कह रही थी पेंशन एक सम्मान है बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, उसको हम उनको दे के रहेंगे, और वो पेंशन में जो गड़बड़झाला होता है, जो दलाली होती है, जो बिचौलिए होते हैं, उसको खत्म करने की बात भी सरकार ने कही है, उसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन अभी भी हम ऐसी जगहों से खबरें देख रहे हैं जिसमें असंतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आपका क्या कुछ कहना है? ये जो बुजुर्ग पेंशन है ये ताऊ देवीलाल जी ने शुरू करी थी, और सम्मान बुजुर्ग पेंशन के नाम से इसकी शुरुआत करी थी कि बुजुर्गों का सम्मान किया जा सके और आर्थिक रूप से उनकी जो निजी जरूरत है वो पूरा कर सके, किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है। परंतु पिछले कुछ सालों में जो कांग्रेस की सरकार थी इसमें बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, बहुत से लोगों ने पेंशन के नाम पर पैसा खाया, और ये जो नई सरकार बनी इसका कहना था कि उस घोटालों को रोकने के लिए हम इसमें बदलाव लाएंगे, हम बैंकों के थ्रू ये पैसा देंगे। परंतु इस सरकार, भाजपा की सरकार ने बुजुर्गों के 80 साल 90 साल के बुजुर्ग को बैंक के दरवाजे पर खड़ा करने को मजबूर कर दिया। वहां लाइनों में लोग लगते हैं, कई कई दिन लाइनों में लगे रहते हैं, उसके बाद भी पेंशन नहीं मिलती। आज ये हालत है हरियाणा प्रदेश में कि बुजुर्गों ने मजबूर होकर पेंशन लेनी तक भी छोड़ दी है बहुत से लोगों ने, और बैंकों की स्थिति ये है कि वहाँ इतनी लंबी लाइन है, ज्यादातर लोगों के तो अकाउंट नहीं खुले, कहीं आधार कार्ड नहीं है, कहीं कोई और प्रॉब्लम है, और जिनके खुले हैं उनको टाइम पर पेंशन नहीं मिलती। तो ये तो सम्मान जो पेंशन थी वो आज एक अपमान बन चुकी है बुजुर्गों के लिए। तो ये तो, लेकिन अरविंद भारद्वाज जी, आपको लगता नहीं है, जैसा कि एक आपका अपना परसेप्शन हो सकता है, आपकी पार्टी का अपना एक नजरिया हो सकता है, कि एक ट्रांसपेरेंसी को खड़ा करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी को स्थापित करने के लिए ये कदम उठाए जाने बेहद जरूरी थे कि जो आपकी पेंशन है वो सीधे बैंक खाते में आए या फिर उसको आधार से जोड़ा जाए ताकि उसकी पारदर्शिता बरकरार रहे?
एक्सपीरियंस थोड़ा वक्त लग सकता है, वो तकनीकी चीजें हैं, उसमें टाइम लगेगा। जो गलत पैसा जा रहा था लोगों की जेब में वो रुकना चाहिए था, परंतु उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था जिससे हमारे बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि हर गांव में बैंक नहीं होते, आप भी जानते हैं। एक एक किलोमीटर दूर उन्हें बैंकों में हर महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है एक 70-80 साल के बुजुर्ग के लिए। और मैंने उसकी हम चर्चा अरविंद भारद्वाज जी पूर्व में कर चुके हैं, उसके लिए भी जैसा कि अमित नेहरा जी हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं कि छोटे मोटे ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, इसका उपाय किया जा सकता है उस स्तर पर, उसमें बैंक की भी सहभागिता हो सकती है, प्रशासन की भी अपनी एक उसका रोल हो सकता है। अमित नेहरा साहब छोटा सा कमेंट अरविंद भारद्वाज जी की बात पर। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो पेंशन की योजना है अरविंद भारद्वाज जी ने कहा ये ताऊ देवीलाल की योजना है, ये निस्संदेह इनेलो की योजना है, जिसका श्रेय बारी बारी से अन्य पार्टियां लेने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन बात ये है कि पेंशन के नाम पे बंदरबांट भी नहीं होनी चाहिए, एक सिस्टम तो बनना चाहिए। अगर सरकार सिस्टम बना रही है तो उसमें कोई गलत बात क्या है। और रही बात अरविंद भारद्वाज वाली बात को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो बुजुर्ग कह रहे हैं अरविंद भारद्वाज जी कि एक एक किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और 90 साल से ऊपर है, अगर उनकी पेंशन बैंकों के माध्यम से आ रही है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो इन बुजुर्गों को क्या आपत्ति है। चलिए ये बहुत वाजिब पॉइंट है और हमने चर्चा भी शायद इसी पॉइंट से शुरू की थी। बहुत शुक्रिया अमित नेहरा साहब आपका, अरविंद भारद्वाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम वो मेहमान जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।